सत श्री अकाल। मेरे YouTube चैनल पैक फॉर यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम पंजाब का आपको एक मेला दिखाने आए हैं। जो जिस गांव में हम आए हैं, ये कोई आम गांव नहीं है, ये लाला लाजपत राय का जन्म स्थान है। डुड्डी के गांव है ये पंजाब में और मोगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और लाला लाजपत राय जी की याद में हर साल यहाँ पर एक बहुत बड़ा भारी मेला लगता है। तो हम आपको जहाँ का जो पंजाब का कल्चर है, जो पंजाब के लोकल गांव में लगने वाले मेले हैं, आज हमको वो दिखलाते हैं। तो चलिए मेला देखते हैं। पंजाब में बहुत से मेले लगते हैं। इनमें कुछ बड़े मेले होते हैं और कुछ स्थानीय मेले होते हैं। आज जैसे आपको पहले बताया गया है कि ये मेला डुड्डी के गांव में हो रहा है, लाला लाजपत राय जी के जन्मदिन के मौके पर, जहां पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। डुड्डी के गांव पंजाब में है और लाला लाजपत राय जी का जन्म स्थान है। पंजाब के इन मेलों में पंजाबी जीवन और सभ्याचार के दर्शन होते हैं। इन्हीं मेलों में समाज का जीवन और पंजाब का दिल धड़कता है। लोग जहां पर ट्रैक्टर ट्राली पर, स्कूटर मोटरसाइकिल कारों गाड़ियों में आते हैं। लोग इन मेलों में आकर खाते पीते हैं, भंगड़ा डालते हैं, हॉकी कबड्डी वगैरह गेम जो होती है वो खेलते हैं और सर्कस चंडोल जैसी एक्टिविटीज़ करते हैं। इन मेलों की वजह से लोग अपने रिश्तेदारों से भी मिल पाते हैं, क्योंकि मेला देखने के लिए दूर दूर से लोग अपने रिश्तेदारों के पास आकर रहते हैं और मेले में भाग लेते हैं। आज के युग में इन मेलों की लोकप्रियता से पता चलता है कि आज भी इन मेलों ने पंजाबी सभ्याचार को संभाल कर रखा हुआ है। इन्हीं मेलों ने पंजाबी संस्कृति, पंजाबी कल्चर को संभाला हुआ है। मैंने ब्लॉग बनाने के बहाने अपने बचपन की यादों को ताज़ा करने के बारे में सोचा और जिस गेम को खेलने लगा हूँ मैं। देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं मिलता। सभी चांसेस बेकार गए, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। इन मेलों में औरतें बड़े चाव से अपने हाथों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के डिजाइनों की मेहंदी लगवाती हैं। बच्चे बड़े चाव से रेलगाड़ी के सफर का आनंद मानते हैं और चंडोल और जो सीसा झूला है पेंडुलम, उस पर एंजॉय करते हैं। जो लोकल बाशिंदे होते हैं वो साल भर इस मेले का इंतज़ार करते हैं, जहां पर आएं, कुछ लोकल खरीदारी करें और मेले का लुत्फ उठाएं। मेला कमेटी द्वारा मेले के साथ ही खेलों का भी प्रबंध किया जाता है। इस साल यहाँ पर हॉकी और कबड्डी के टूर्नामेंट करवाए गए थे, आप उनकी एक झलक देखिए। यहाँ पर एक 20 रुपए वाली लॉटरी की गेम चल रही थी, तो मैंने वहाँ भी एक ट्राई की।
जहाँ पर कुछ गेंदों को बॉक्सेस में डालना होता है, अगर आपका अंक निकल आता है तो आपको इनाम मिलता है। तो बचपन की यादों को ताजा करने का एक सुनहरी मौका था। उसके बाद मैंने सोचा कि दो चार निशाने भी लगा लिए जाएं, बचपन की इस याद को भी क्यों छोड़ा जाए और मेले का आनंद उठाया जाए। गर्मा गर्म टिक्कियाँ, पकौड़े और जलेबियाँ मेले का एक खास आकर्षण होती है। मैंने भी अपनी 2 साल की बेटी के लिए मेले से कुछ गुब्बारे और खिलौने खरीद लिए हैं। ये गुब्बारे उसको घर जाकर दूंगा और वो बहुत खुश होगी। तो चलिए आगे मेला देखते हैं। पंजाब के और पूरे देश के बारे में घूमने और इस तरह के सभ्याचार संस्कृति के बारे में जानने के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।